नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव इस समय चल रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाने वाले नेताओं की कोई कमी नहीं है और लगातार वह आरोप लगा रहे हैं अपनी पार्टी के ऊपर। जिस पार्टी को वो छोड़कर जा रहे हैं उस पार्टी पर आरोप लगाते हैं और दूसरी पार्टी को बेहतर बताते हैं। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की दमोह की, तो दमोह में भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में पूर्व के पदाधिकारी और वर्तमान के कुछ सदस्यों ने पार्टी से त्याग पत्र देकर एक संकट खड़ा करने का प्रयास किया। जयंत कुमार मलैया मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के पुत्र सिद्धार्थ मलैया के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने सदस्यता को छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को छोड़कर उन्होंने एक नए दल बनाने का संकल्प लेकर मैदान में वह उतरे। TASM के नाम से इन्होंने मैदान में उतरने की ठानी और फिर क्या था, लगातार वह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत पर और कुछ नेताओं पर वह आरोप लगाने लगे। उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करके एक चुनौती देने का प्रयास किया है। वह कुछ स्थानों को छोड़कर मैदान में उतार रहे हैं अपने उम्मीदवार और जिसके चलते वह संकेत भी देते हैं कि जिन स्थानों पर उनके उम्मीदवार नहीं है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति यानी उम्मीदवार उनका है। लगातार उन्होंने प्रयास किए हैं, आरोप लगाए हैं और संकेत दिए हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, उनकी रीति नीति के सिद्धांत के विरुद्ध उन्होंने इस्तीफा दिया है और जिसके चलते चर्चाओं का बाजार गर्म रहा बहुत लंबे समय तक, यानी कई दिनों तक यह क्रम चलता रहा। सुर्खियों में बने रहे सिद्धार्थ मलैया और उनके समर्थक। और फिर क्या था, दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रहलाद सिंह पटेल, जिन्होंने आरोप का जवाब दिया है कि पीठ में छुरा घोंपने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, पार्टी के साथ गद्दारी करने वालों को सबक सिखाने का अवसर है। उन्होंने आह्वान किया है भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से कि जवाब दीजिए। ऐसे लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है जिन्होंने लगभग 25 वर्ष से अधिक का सत्ता का सुख भोगा हो, हर कार्य में हिस्सेदारी रही हो और आज वह पार्टी के साथ खड़े न होकर वह खड़े हैं दूसरी जगह पर, वह पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, पार्टी के पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। ऐसे लोगों को सचेत किया है, आगाह किया है, तो चेतावनी दी है और साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को कहा है कि जवाब दीजिए, ऐसे लोगों को सबक सिखाइए। क्या कह रहे हैं प्रहलाद सिंह पटेल, इसलिए कि मुझे लगता है जिनने 25 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सत्ता दोनों का उपभोग किया हो, वो कहीं पर भी प्रत्यक्ष या परोक्ष योजनाबद्ध ढंग से अगर पार्टी की सामर्थ्य को चुनौती देते हैं, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये बात कार्यकर्ता को बतानी होगी, आम आदमी को इस बात का एहसास होना चाहिए। चूंकि मैं जिस वार्ड में खड़ा हूं, इस वार्ड में पिछले 5 साल पहले इस परिस्थिति का छोटे रूप में दर्शन लोगों ने किया था, आज वो लगभग पूरा शहर देख रहा है, तो ये पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग किस विकास की यात्रा की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये कार्यालय का उद्घाटन है, कार्यालय से संदेश जाते हैं, हम रचनात्मक संदेश देने वाले लोग हैं, हम उलझने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन कोई अगर चुनौती देता है या धोखाधड़ी करता है तो बेनकाब करना लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है और मैं मानता हूँ कि हमारे जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं वो और बाकी लोग जो वो लाइन तय किए हुए हैं, यही चित्र है और ये सच्चाई आम आदमी को पता चलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कार्यालय का उद्घाटन ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऊर्जा का केंद्र होता है, उसकी शुरुआत हुई है, मैं गौरव जी को बधाई देता हूँ।
हमारे उन तमाम वरिष्ठ जनों को जिनको टिकट नहीं मिली और जो वर्षों से चार दशकों से पार्टी का काम करते रहे, उनके उस अनुशासन और उस निष्ठा के प्रति मैं नमन करता हूं और उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते रहिए और आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है कितनी लंबी यात्रा विजय के साथ चल रही है।